कोलकाता नाइट राइडर्स ये बार क्या कर पाएगी कुछ कमाल। ये टीम क्या लगती है शानदार, देखने लायक। दो टाइम ये चैंपियन है, 32.7 करोड़ ये इनका पर्स अमाउंट है। गौतम गंभीर इज बैक, 9th सीजन में यहाँ पर इन्होंने जिताया था, वही उनको वापस लेकर आए। रिटेंशन रिलीज के करते हैं बात, जहाँ पर KKR ने रिकैम करने का सोचा है, शाहरुख ठाकुर को जाने दिया है, एक उत्तम सऊदी उमेश यादव जैसे को रख लिया है, रिलीज के अंदर KKR का ये है, और सुनील नारायण रसल को रख लिया है। वेरियस T20 लीग्स अराउंड द वर्ल्ड के अंदर भी उनको रखता है, तो रिटेंशन के अंदर ये नाम सारे आपके सामने की स्ट्रेंथ क्या है ये टीम के। इनका कप्तान वापस आ रहा है श्रेयस अय्यर, हु हैज़ मिस्ड IPL 2023, एक सर्जरी सी वो जा रहे थे, और यहाँ पर स्प्रिंट का इनका ट्राई हो कमाल धमाल मचाता है। और रिंकू सिंह ये तो माशाल्लाह खिलाड़ी है, फिनिशर धमाल है, कमाल है। और इनका वीकनेस क्या क्या नज़र आता है, तो वीकनेस वही है कि जो ओपनर्स है वो कमाल क्या कर पाएंगे, देखने लायक ये सवाल रहता है। गुरबाज रॉय KKR के लिए यूज 12 ओपनर्स लास्ट 2 सीज़न के अंदर, ओपनर का सवाल को पूरा करना होगा। इनकी वॉच लिस्ट में कौन कौन होगा, ये किसको लाना चाहेंगे, कि क्या लेफ्ट में 6 पेसर्स इन द स्क्वाड एंड डिस्पाइट लीस्ट 2 क्वालिटी सीमर्स, जॉस हेजलवुड के पीछे भागने का इनके पास दमखम रखते हैं, RCB ने इनको छोड़ा था, लेकिन क्या वो नजर आएंगे पूरे सीजन, ये देखने लायक सवाल होगा। जॉस हेजलवुड का T20I करियर आपके सामने है। फिर एक नाम जो नज़र आता है वो है ये बल्लेबाज ट्रैविस हेड का, जो प्लेयर ऑफ द मैच सेमीफाइनल के अंदर ODI वर्ल्ड कप के अंदर रहे थे, भारत के अंदर हुआ था वो, ये उनका करियर नज़र आता है T20I करियर। बताएं आपको हर्षल पटेल भी नज़र आएंगे, रिप्लेसमेंट उमेश यादव के नज़र आ सकते हैं, ये एक अच्छे गेंदबाज हैं। पर्पल पटेल भी रहे, इनका नाम बन चुका था 2021 में काम करने के बाद, इनका करियर IPL ये ऐसा आपको नज़र आता है। और क्या नाइट्स क्या वापस से बाउंस बैक करने की क्षमता रखते हैं, क्या वापस से वो कुछ धमाल कमाल के साथ लौटने की क्षमता रखेंगे। अभी आप देख रहे हैं ट्रेड बता रहे हैं, अगर आपको ये सब्सक्राइब करना